गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4 लेसन 13 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर डे 26। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंसेस क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ द वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस कॉल्ड अ सेंटेंसेस। कल मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी। कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं? सेंटेंसेस आर ऑफ फोर। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कल हमने असर्टिव के बारे में पढ़ा था, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। आज हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बेटा? अ सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन पुट करते हैं, आस्क का क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इट आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये किसी के बारे में, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। ये किससे शुरू होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन मार्क पर एंड होता है इनका। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक तो डब्ल्यूएच से एक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं यस नो क्वेश्चन। ये कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स के, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन, जिसमें आपको यस और नो से उसका आंसर देना होगा। डब्ल्यू एच क्वेश्चन से देखिए, द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक इंक्वायर और आस्क फॉर इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड। जो कि इसमें इंफॉर्मेशन, दिस सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक क्वेश्चनिंग करती हैं डब्ल्यू एच वर्ड। जैसे कि क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि किससे क्वेश्चन किए जाते हैं? वाई से, हू से, हुज से, विच से, हाउ से, एटसेट्रा आर कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन। What are you doing? ये सभी क्या हो गए? हमारे डब्ल्यू एच से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सच क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। इन क्वेश्चन को हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। किसमें नहीं दे सकते? यस और नो में क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। जैसे कि डब्ल्यू एच से जो स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द फुटबॉल? फुटबॉल कहाँ है? आंसर क्या बोले बोलना है? यस, यस ही बोल, यस नो के नहीं है। ये हमारे हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसमें हम यस और नो में रिप्लाई नहीं देते। इट इज हेयर, ये यहाँ पर है, यहाँ पर। बट क्वेश्चन से नहीं देखिए, बट आर द बॉयज डूइंग? लड़के क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आंसर आएगा दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। क्या आएगा? दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। थर्ड देखिए, व्हेन डू दे प्ले? व्हेन डू दे प्ले, वे कब, वो कब खेलते हैं? दे प्ले इन द इवनिंग, वो शाम के समय खेलते हैं। ये हमारा क्या था? डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले, इसमें हम यस और नो से इसका रिप्लाई नहीं करते। अब सेकंड हमारा है यस नो क्वेश्चन, जिसमें हम यस या नो से आंसर देंगे। द सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पुटे किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब, सच एज जैसे कि इज, एम, आर, आर, हैज, हैव, हैड, वुड, कुड, कैन, मे, डू, डज, डिड, एटसेट्रा आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। इनको हम क्या बोलेंगे? यस नो क्वेश्चन, जिसमें हमसे यस और नो का रिप्लाई पूछा जाएगा, यस और नो में उसका क्वेश्चन किया जाएगा, उसे हम बोलते हैं। जैसे कि इज द बॉल हियर, तो आंसर क्या आएगा? यस। इज द बॉल हियर, आंसर क्या रहेगा? यस, वो यहां पर है। हाँ, अब देखिए, डू यू प्ले ऑन द रोड? डू यू प्ले ऑन द रोड, क्या तुम रोड पर खेलते हो? नो, आई डू नॉट प्ले ऑन द रोड, नहीं मैं रोड पर नहीं खेलता, नहीं मैं रोड पर नहीं खेलता, नो आई डू नॉट प्ले ऑन द रोड। ये हमारे डब्ल्यू एच से क्वेश्चन थे, ये हमारे
नो यस या नो पे क्वेश्चंस पे डब्ल्यू एच के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हाउ ओल्ड आर यू, जैसे कि डब्ल्यू एच के क्वेश्चन किया गया तो आप क्या लिखोगे, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, ये सब। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो डब्ल्यू एच में, आई गो टू बेड एट 10। व्हेन डू यू गो टू बेड, आई गो टू बेड एट 10। अब व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू जो आपका टाइमिंग होगा 8 AM, ठीक है ना, इस तरह आई गो टू स्कूल एट 8 AM, ठीक है, इस तरह से होंगे। ये डब्ल्यू एच के क्वेश्चन थे, ये हमारे थे यस और नो के क्वेश्चन। ये बेटा हमारा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, क्या था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कल हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स।